सर आपने देखकर लिखना है, आपको एक पेज के $2 मिलेंगे, यानी आप अगर एक दिन के 10 पेज लिख लेते हैं तो आपको उसके बदले $20 मिल जाएंगे, और $20 को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट बनती है। आपको कोई लंबा चौड़ा स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, डिग्री नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल गाइड करूंगा, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, 100% ओके है, आपका भरोसा हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगा, लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत लंबी चौड़ी स्किल सीखना नहीं चाहते, वो थोड़ा सा काम सीख के अच्छी हैंडसम अमाउंट कमाना चाहते हैं और उनके पास डिग्री नहीं है और थोड़ी बहुत इंग्लिश वो जानते हैं। इससे पहले कि मैं आपको तरीक़ेकार और विदड्रॉ का प्रोसीजर सिखाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर कल एक जो मैंने वीडियो पोस्ट की है उसके ऊपर 1 मिलियन कंप्लीट होने वाला है, शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते कंप्लीट हो जाए। आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये देख सकते हैं ये टिकटॉक का अकाउंट है, और इसी तरह आप अगर बाकी YouTube का अकाउंट भी देखें तो उसमें आपके कमेंट्स मेरे लिए इंतहाई ज़बरदस्त होते हैं। आप जब कमेंट करते हैं मुझे उसका आंसर करने में, आपकी क्यूरी को आंसर करने में, सेम ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। सर आपकी इन मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अब आ जाएं जी काम की तरफ। सर आपने गूगल की विंडो में आ जाना है, चाहे आप लैपटॉप से आए, मोबाइल से आए, टैबलेट से आए, डेस्कटॉप पीसी से आए, आपको जैसे भी इजी लगे गूगल होना चाहिए, और वहां से आपने लिखना है अपवर्क। अपवर्क लिखेंगे, ये मार्केट प्लेस है इसकी, ये आपके सामने इंटरफेस इसका ओपन होगा। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपको इसमें अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा और साथ में काम करना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको कह रहा है जी आपने ज्वाइन क्यों करना है, आप फ्रीलांसर हैं या आप कोई क्लाइंट हैं? तो यहाँ हम इसे कहते हैं जी हम फ्रीलांसर हैं, अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। अब ये आपके सामने अकाउंट है, इसकी छोटी सी डिटेल्स हैं, इनको आपने पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जनाब इसका ये प्रोफाइल फिल करता हूँ। यहाँ पे कहता है जी फर्स्ट नेम तो वकास, और ये भट्टी मैंने लिख दिया, और जीमेल आपको कह रहा है जी जीमेल आप लगा लें, जीमेल आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन का मैसेज आपको भेजेगा। ये लें जी मैंने अपना जीमेल भी लगा दिया, सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए इसको हम हाइड भी कर देंगे, और ये पासवर्ड सेट कर लिया, एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लें आप। और यहाँ पे सर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मेरी वीडियो जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखी जाती है, इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश, यूएई और सऊदी अरेबिया, इन टॉप कंट्रीज़ के अंदर मेरी वीडियो देखी जाती है। आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको ओके करें, क्रिएट माई अकाउंट पर चले जाएँ। पासवर्ड मैंने सेव कर दिया, यहाँ मुझे प्रॉम्प्ट आया जी आपका अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे कह रहे जी वेरीफाई योर ईमेल, तो उसके लिए आपने जीमेल में जाना है, जीमेल मोबाइल में या डेस्कटॉप में आपने जहाँ पे भी रखा हुआ है उसको आप लॉगिन कर सकते हैं जी। सर यहाँ पे अपवर्क नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है, इसको मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी वेरीफाई ईमेल, आपने अपने ईमेल को ओके करना है। ये ले जी ये वेरीफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, और कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज वेरीफाइड। लें जी हमारा अकाउंट बन चुका है, और अब हम प्रोफाइल के अगले प्रोसीजर में एंटर हो रहे हैं, और यहां से आपको पूछ रहा है आप कोई नई अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल मैं लेना चाह रहा हूं अपॉर्चुनिटी, मैं काम करना चाह रहा हूं। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है। अब यहां 3 ऑप्शन आपको दे रहा है, एक कहते हैं जी आप बिगनर हैं, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, या आप इसके एक्सपर्ट हैं। तो मैं उसे कहता हूँ भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, इस पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये मुझे अगले स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ अपना एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, तो ऑफ कोर्स मैं इससे अर्निंग करना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग के जरिए से, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पे तीसरा और आखिरी स्टेप आपको बता रहा है जी आप किस तरह से काम करना चाहेंगे। इसमें 2 तरीके हैं काम करने के, एक तो ये है कि आप कस्टमर के पास जाएंगे, दूसरा तरीके का ये होता है कि कस्टमर आपके पास जाएगा। इसमें अब मैं ये पहले वाला क्लिक कर रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी को खुद से अवेल करना चाहता हूँ जी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आप ओके करें, और उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट प्रोफाइल पे चले जाएं। इसके ऊपर काम क्या है जी, बड़ा सिंपल वर्क है, ये अकाउंट बनाना भी आपने सीख लिया, ये भी आपकी स्किल में से शामिल होगा। आपको कल को कोई और स्किल आपके पास आ जाती है तो आप उसके थ्रू वो भी काम कर सकते हैं, और ये जो काम आज आपको सिखाने जा रहा हूँ आप इस काम को भी कर सकते हैं। बेसिकली आपने राइटिंग जो स्टार्ट में आपको बता के आया हूँ कि आपने सिंपल राइटिंग करनी है,
और राइटिंग के थ्रू जो है वो आप अर्निंग करेंगे। राइटिंग किस तरह से करनी है उसी की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। अब आपसे कहते हैं जी आपके पास कोई अपना CV पड़ा हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई LinkedIn प्रोफाइल बनी है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं, या आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको मैन्युअली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैं कंटेंट राइटर। अब इसके बाद आपको कहता है जी ऐड योर एक्सपीरियंस, आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो स्किप फॉर नाउ पे आप क्लिक कर लें। एजुकेशन, मैंने स्टार्ट में बताया था जी आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके पास डिग्री है तो आप इसको ऐड करें, नहीं है तो भाई इसको स्किप फॉर नाउ के लिए आप करते हैं, आपका अकाउंट जो है वो काम करेगा। लैंग्वेज में ऑलरेडी इंग्लिश सिलेक्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने स्किल का लेवल ऐड करना है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जी बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट हैं, नेटिव हैं, किस तरह से हैं। तो मैं इसमें अपनी मर्जी से लिख लेता हूं जी, मैं कहता हूं जी मैं इसमें फ्लुएंट हूं। और उसके बाद आप इसकी नेक्स्ट प्रोफाइल पे जाएंगे, यहां पे आप अपनी स्किल को जो है वो बताएंगे। तो यहां हमने सेलेक्ट करना है कॉन्टेंट राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। अब लैंग्वेज ऑलरेडी पीछे हमने इंग्लिश में लिखा हुआ था, अगर आप अरेबिक करना चाहते हैं, कोई और लैंग्वेज करना चाहते हैं, उर्दू वगैरह भी करना चाहते हैं, वो लैंग्वेज को आप ऐड कर सकते हैं, या मेरे वो सब्सक्राइबर जो इंडिया से हैं वो हिंदी लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको कहते हैं कि नाउ राइट द बायो, आप यहाँ पे अपनी बायोग्राफी लिखेंगे। अच्छा सर, आप बायो यहाँ पे खुद लिख सकें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने चैट GPT में आ जाना है। तो यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देना है जी राइट माय बायो फॉर अ कॉन्टेंट राइटर, इसको आप ओके करें, ये लिखना शुरू कर देगा और आप यहां से ये बायो उठाएं और उसके बाद जो है वो इसको अपना नाम सिर्फ आपने यहां पेस्ट करना है, नाम पेस्ट करके आप इसको लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ये लें जी, मैं यहां इस सारी बायो को कॉपी कर रहा हूं, कॉपी पर करके मैं यहां पेस्ट करता हूं और उसके बाद यहां पे उसने नेम बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मैं कहता हूं जी वकास भट्टी मेरा नाम है और ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद जहाँ जहाँ पे उसने नाम लिखा होगा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये बड़ा सिंपल काम है, अगर इससे बेहतर होगा कि आप इसको खुद से लिख लें, मैंने इसे पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। और आप ये लें जी, आप इसको ओके करते हैं जी। ये ओके होने के बाद आपके पास कॉन्टेंट राइटिंग की सर्विसेज हैं, आपके पास और भी सर्विसेज हैं जिनको आप क्लिक कर सकते हैं, बट हमारा फोकस इस वीडियो के अंदर कंटेंट राइटिंग के लिए है। तो हमने कंटेंट राइटिंग जो है वो सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर लेना। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यकीनन पैसों के बारे में भी कॉन्शियस होते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे। स्टार्ट में मैं आपको बता के भी आया था कि 1 घंटे के आपको पैसे मिलेंगे, आपको ये 10% खुद चार्ज करेगा, यानी फाइवर जो अपनी सर्विस लेगा वो 10% लेगा। आपने रेट इस हिसाब से रखना है, 1 घंटे का रेट आप रखेंगे कि फाइवर को अगर 10% आप दे भी देते हैं तो फिर भी आपके पास अमाउंट जो है वो अच्छी बननी चाहिए। सर आपको ये कह रहा है कि ये आप $3 से $9.99 के दरमियान आप अमाउंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्ज कर लें मेरा नया अकाउंट है तो मैं यहाँ कह देता हूँ जी मुझे सिर्फ $10 जो है वो दे दें। अब मैंने $10 यहाँ लिखे हैं तो $1 जो है वो फाइवर ले लेगा और पीछे मेरे पास कितने बन जाएंगे, $9 जो है वो मुझे बचेंगे। और ये 1 घंटे की पेमेंट है, आपको थंबनेल में जो दिखाया था उससे बेहतर यहाँ परफॉर्म करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे आपने काम उठाना है, ये आपका अकाउंट मुकम्मल हो चुका है। और सर ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसमें विड्रॉ को आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, आप बड़ी आसानी से अपने अकाउंट में या अपने जैज कैश इजी पैसा के अंदर विड्रॉ करवा सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर आप बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं, मुझे यकीनन गाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लें जी आपने अपने कंट्री और एरिया की सर्विसेज देनी है, ये लास्ट स्टेप है प्रोफाइल का। उसके बाद हम काम की तरफ आते हैं कि काम हमने कैसे पिक करके उसको कंटिन्यू करना है। ये लें जी यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, ये मैं उसको एड्रेस दे रहा हूँ जी अपना, और उसके बाद ये सिटी मैंने लिख लिया, ये मुझसे कुछ ज़रूरी मालूमात ले रहा है जी, मेरा एड्रेस ले रहा है और उसके बाद प्रोविंस पूछ रहा है, तो मैंने पंजाब में बैठा हूँ, पंजाब मैंने लिख दिया और सिटी सेलेक्ट कर दिया, साथ फ़ोन नंबर भी वो मुझसे ले रहा है। तो ये चीज़ें सारी जो है मैंने ओके कर दिया और चेक योर प्रोफाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। ये लें जी मेरी प्रोफाइल कम्प्लीट हो गई। अच्छा, मैंने चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक किया है तो ये मुझे कह रहा है कि आपने अपनी तस्वीर तो ऐड ही नहीं की है, तो मुझे यहाँ पे अपनी एक पिक्चर भी लगानी होगी। तो ये लें जी मैं अपनी एक पिक्चर लगा देता हूँ इसके ऊपर, और ये देख लें जी फोटो अपलोड कर दी और उसके बाद अटैच फोटो पे क्लिक कर दिया, चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक किया जी। ये देखिए जी, ये कंप्लीट प्रोफाइल आपके सामने आ चुकी है।
और आप इसको देखना चाहें, आप इसको कुछ एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखें, वो सारी मेरी डिटेल है जो मैंने वहां से चैट जीपीटी से लेके यहां पुट की थी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये रेट है आपका, आप रेट बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। स्टार्ट में रेट अपना कम रखें, मैं सजेस्ट करता हूं, ताकि आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो, जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उसके बाद जो है वो आप रेट अपना बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए जी, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको कहते हैं जी आपने जॉब ब्राउज करनी है। ऑफ कोर्स मैंने जॉब जो है वो मुझे चाहिए, और उसके काम के लिए ये मेरे सामने उसने चीज़ें ओपन कर दी हैं। अब यहाँ आपको कहते हैं जी आपको एक फूड ब्लॉगर चाहिए, आपने फूड के कंटेंट पे लिखना है, और उस कंटेंट में आपको जो है वो पैसे जो ऑर्ली मिलेंगे वो $100 से $150 जो है वो आपको ऑर्ली पैसे मिलेंगे। ये आपके काम के रेलेवेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। और उसके बाद कार ब्लॉग राइटर है, ये आपके सामने जो है वो कार ब्लॉग राइटर है। आपको कार के लिए जो है वो कंटेंट लिखना पड़ेगा, और इसके पैसे जो है वो $3 से $25 जो है वो दिए जा रहे हैं पर आर, और इसी तरह बाकी भी कंटेंट है। अब यहाँ पे देखें कि एक बंदे को अर्जेंट राइटर चाहिए, और $10 से $40 जो है ये आपको फ़ौरन से देगा, और इसका राइटिंग क्या है आप इसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के बाद जो है वो फिर पता चलेगा। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये बंदा जापान से है, ठीक है, और इसको कंटेंट राइटिंग चाहिए, आपको ब्लॉग कमेंट कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको कमेंट करें, आप इसको ओके करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट चला जाएगा और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन होगी। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम सिर्फ देख के लिखेंगे, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं जी, आपको कहता है जी असेंशियल री राइटर नीड्स, तो आपके पास लिखा हुआ कंटेंट आएगा, आपने उसको जस्ट रीराइट करना होगा, और इसके जो पैसे आपको दे रहा है वो $25 से $60 की अमाउंट आपको देगा एक घंटे की, तो आप इसमें ये काम कर सकते हैं। और ये यूके का बंदा है, आप इससे रابطہ कर सकते हैं। ये जी आज की वीडियो, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने काम स्टार्ट कर लिया है या नहीं किया, या आपने अकाउंट बना लिया है, कोई परेशानी आए तो आप उसके लिए हमें पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।